इस खराब मोबाइल बैटरी को अब मत फेंकना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस मोबाइल की बैटरी से, मतलब खराब मोबाइल की बैटरी से ऐसी यूनिक चीज़ बनाएंगे जिसके देख के आप दंग रह जाओगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को पसंद है तो लाइक करना और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, इस बैटरी से क्या ट्रिक है जिसे आप देख के हैरान हो सकते हो और ज़िंदगी के आप लाखों करोड़ रुपए जो है बचा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद और ट्रिक को सीखने के बाद। तो चलिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का एक मोबाइल का ख़राब बैटरी ले लेना है, ठीक है। ये बहुत ही ख़राब है और देख सकते हो इसका कंडीशन है, फूला हुआ है। अभी हमें क्या करना होगा, इसका जो स्टिकर है ऊपर का उसको हमें हटाना होगा। उसके पहले यहाँ पे देख सकते हो ये 2000 mAh का एक 3.7 volt का बैटरी है मोबाइल का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो ब्लैक वाला कवर है, जो कंपनी का कवर है, ठीक है, उसका हम हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हटाया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ही यूनिक है और आपको जो है बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह से हमें जो खोल लेना है स्टिकर को, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी तरह से जो खुल जाता है स्टिकर। तो चलिए स्टिकर को हम खोल देते हैं। जब तक ये स्टिकर खुल रहा है, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि एक एक वीडियो हमें सोचकर बनाना पड़ता है, ठीक है। और बहुत मेहनत भी इसके पीछे हमें देना पड़ता है, बहुत टाइम हमारा यहाँ पे लग जाता है ज़िंदगी का और दिन का भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कवर खुल गया है और इसका बॉडी हमें नहीं चाहिए, इसका ऊपर वाला जो पार्ट है इसका हमें चाहिए। तो इसका हम जो है खोल लेते हैं। ये लगता है हाथ की मदद से तो खुलेगा नहीं मुझसे, तो हम प्लायर का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे प्लायर ले लिया है और इसको हम कुछ इस प्रकार से इजीली खोल लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो हाथ से तो नहीं खुला लेकिन प्लायर से अच्छी तरह से खुल गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो अच्छी तरह से खुल गया जा रहा है। अभी हम कैंची की मदद से इसके जो लेग लगा हुआ है इसको हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से लग गया है और इसका जो बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी की अभी हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो मैंने साइड में रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, काम है हमारा इस चीज़ का। तो ये क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा जो है स्पॉट बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें खोल लेना है, तो ये दोनों भाग में बट जाता है कुछ इस प्रकार से, आप देख ही सकते हो बहुत ही इजीली जो है ये यहाँ पे खुल जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो अंदर से जो है एक BMS निकला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल का एक BMS यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये BMS आई थिंक हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में 30 या 40 रुपए के आसपास मिलता है और बहुत बहुत जगह 80-90 के पास भी जो है चला जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा साफ करके आपको बताने की प्रयास करते हैं कि कौन सा क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये P+ से, ठीक है, ये देख सकते हो P+ और ये P- मतलब पावर प्लस पावर माइनस। और यहाँ पे देख सकते हो ये B- का टर्मिनल है, ठीक है, B- लिखा हुआ भी है। और आप यहाँ पे देख सकते हो टर्मिनल को, और यहाँ पे देख सकते हो ये B+ का मतलब बैटरी पॉजिटिव का टर्मिनल यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही ईजी कनेक्शन है, ये कहाँ लगाया जाता है ये सवाल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो ये लैपटॉप का 18650 बैटरी है, ठीक है। तो ये इसका लाइफ बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इसलिए इसका लाइफ लो हो जाता है। और ये 1200 mAh का एक बैटरी है, 2000 mAh का भी आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसका कनेक्शन हम BMS के साथ कर लेंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं बहुत ही ईजीली। तो चलिए, तो मैं कनेक्शन करता हूँ, फिर आप लोगों को जो है सब कुछ बता दूंगा डिटेल्स के साथ। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने कनेक्शन जो है अच्छी तरह से कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो B+ था वो डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव में चला गया है और जो B- था वो बैटरी के नेगेटिव में चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो P+ में मैंने रेगुलर और P- में
यहाँ पर देख सकते हो पी माइनस में एक ब्लैक कलर को मैंने जोड़ दिया है। ठीक है, पी माइनस पावर पॉजिटिव पावर नेगेटिव, यहीं से जो ये चार्ज भी होगा, यहीं से ये डिस्चार्ज भी मतलब पावर भी देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, इस बैटरी जो BMS इसको जो चिपकाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ब्लैक टेप की मदद से अच्छी तरह से ये यहाँ पे लगा लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं कवर कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो मैंने पूरे बैटरी में जो ब्लैक टेप है उसको अच्छी तरह से लगा लिया है, और यहाँ पे देख सकते हो BMS अच्छी तरह से जो चिपक भी चुका है, अटक गया है। तो अभी हम मल्टीमीटर द्वारा इसका वोल्टेज देख लेते हैं कि अच्छी तरह से ये BMS जो है काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में मैं पॉजिटिव जब लगा दे रहा हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो 3.46 के करीब यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट के तौर पर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी तरह से जो है वर्क कर रहा है। आई होप ये जो ट्रिक है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि इस ट्रिक को आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हम जो भी वीडियो फ्यूचर में डालेंगे हमारे चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत जो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।